लेट्स स्टार्ट with क्वेश्चन नंबर 20. इट says the द रेडियस ऑफ एटम इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ वन and एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी हाउ magnitudes higher हायर इज़ द वॉल्यूम ऑफ एटम compared to the volume वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो सबसे पहले हमें रेडियस पता होना चाहिए तभी तो हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे तो रेडियस ऑफ एटम कितना दिया हुआ है हमें One angstrom. और one angstrom हमारा कितना होता है raised to power minus ten मीटर अब सिमिलरली वी हैव रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वन फॉर्मी जैसे उन्होंने दिया हुआ है कि वन फॉर्मी के इक्वल है तो वन फॉर्मी होता है हमारा टेन रेज टूपा माइनस फिफ्टीन मीटर अब हमें क्या करना है दोनों की रेशियोज निकालनी है वॉल्यूम का सो so बेसिकली हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम ओवर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा आपका इट इज़ टेन रेज टू पा माइनस टेन क्यूब और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा टेन रेज टू पा माइनस फिफ्टीन क्यूब तो आप सबसे पहले आप क्या कर सकते हो दोनों को विद इन ब्राकेट कर लो टेन रेज टू पा माइनस टेन को और टेन रेज टू पा माइनस फिफ्टीन को और रेस्ट टू पार थ्री अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो बेस सेम है तो आपकी जो पावर्स हैं वो सब हो जाएंगे सो लाइक दिस देन रेज टू पावर थ्री और माइनस टेन प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा इट विल बी फाइव और रेस टू पावर थ्री अब हमारे जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है तो इट विल इट कैन बी रिटर्न एज टेन रेज टू पा फिफ्टीन सो टेन रेज टू पा फिफ्टीन ओवर वन इज़ द कम्पेरिजन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस सो दिस इज़ द रेशियो सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी